जनपद संभल के चंदौसी में स्थित मंडी समिति में किसानों के धान सरकारी सेंटरों पर नहीं खरीदे जा रहे हैं। सरकारी सेंटरों के कांटों में ताले लगे हुए थे। जब इस बात की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान को हुई तो वे अपने समर्थकों के साथ मंडी समिति में पहुंच गए और वहां पर हंगामा किया और फोन करके मंडी के सचिव को भी मौके पर बुला लिया। इस दौरान मंडी के सचिव और जिलाध्यक्ष विशाल चौहान के बीच गर्मा गर्म बहस भी हो गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सेंटरों के कर्मचारियों और मंडी सचिव पर व्यापारियों से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग सरकार की मंशाओं पर पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो लगे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, हम तो यही कहेंगे कि मान लीजिए हमारे पास जो गीला धान आएगा तो वो तो हम नहीं ले पाएंगे, सूख जाएगा धान। सूखा किसान आएगा तो तभी जब आप ताला खोलोगे भाई, ताला लगा हुआ है, बताइए। तराजू पे ताला क्यों लगा रखा है? कोई किसान हो तो मोटे धान वाला बुला के लाओ उसे, अभी है कोई किसान ही? अगर ताला क्यों लगा रखा है? सुबह से कोई आया हो तुलना लायक, मैं तो कहना चाह रहा हूँ पूरे आप मीडिया से हैं, आप पूरे चारों तरफ कैमरा दौड़ाइए, सभी जगह धान खरीद हो रही है प्राइवेट आड़तों पे, इनके पास क्यों नहीं आ रहा कोई? ये सब महीन धान 1300-1400 रुपए ले रहे हैं, इनके पास 1845 रुपए में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ताला लगा रखा है, ये चाहते हैं कि यहाँ कोई किसान ना आए। ये आज आके बैठे हैं यहाँ, ये अभी आके बैठे हैं। जब मैंने शिकायत की है 3-4 जगह तो अधिकारियों ने इन्हें यहाँ भेजा है। अभी तक ना कल ये थे, ना कोई बैनर था, कुछ नहीं था। सरकारी खरीद के नाम पर केवल नाम कागजों पर चल रही है, ये खुद आड़तियों से डायरेक्ट ले रहे हैं। वहाँ 500 रुपए इनको मिलते हैं, 200-300 रुपए आड़ती कमाता है। 6 महीने जो किसान पैदा करके मजबूरी में दीपावली का त्यौहार है बेचने आ रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग। इनको 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए रोज एक किसान, 1-1, 2-2 किसान से कमा रहे हैं, इनका पेट नहीं भरने वाला। किसान 30-40 हजार का धान बमुश्किल बेच के अपने बच्चों का पेट पालेगा, लागत निकालेगा, क्या करेगा? जब सस्ते यहाँ सरकारी खरीद हो नहीं रही तो कहीं ना कहीं तो डालेगा, कहीं ना कहीं तो बेचेगा। क्या कहेंगे आपके आपके सामने इतनी सारी बातें कही है विशाल चौहान जी ने? हम तो एक सूखा धान आएगा बिल्कुल लेंगे, अभी पतला धान आ रहा है, कोई नहीं दे रहा। मंडी में मोटा धान तो ये सब महीन धान है, हम तो ये कह रहे ये सब महीन वाला धान है। आपने किसान नहीं, हमारे यहाँ कॉमन धान और सादा चाहिए। ताले क्यों लगाए आपने? जब कोई सवेरे से आया ही नहीं तो हम क्या करेंगे उसको? ताले लगाने का मतलब क्या है? ताले लगाने का मतलब क्या है तो हम इतना बताइए। अरे कोई आएगा जब तो लाई के लिए आए, जब तो हम तो ताले खुले, जब बारदाना रखा हुआ सब कुछ रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? बारदाने पे कोई छापे देखना जरा, रात के लिए बारदाने पे कौन से छापे आप देखिए? सरकारी कोई छाप है बारदाने पे? आप देखिए जरा, कोई सरकारी छाप है बारदाने पे? चूंकि सीधे सीधे ये प्राइवेट सीधा सीधा ये इतना बड़ा मोहर क्यों नहीं है पूछिए, बताइए आप, बारदाने पे मोहर क्यों नहीं है सरकारी? ये सादा बोरियां क्यों आपने यहाँ रखी हुई है? तो अभी तुलाई हो रही है, गांठे गांठे आई, गांठे ये तुलाई, ये भरे हुए धान रखे हैं इन पे, कौन सी तुलाई होनी है? और ये पैक है धान, कोई मोहर हो तो मुझे बताएं आप। आप धान धान क्यों कर रहे हैं? धान पुराने बारदाना में ही खरीदा जाता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सीधा मिल पे कुड़ेला जाता है। ये सवाल भी बताइए, जवाब दीजिए आप, क्यों सरकार की मंशा क्यों नहीं पूरी होने दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीदेंगे धान, सूखा आएगा मानक के रूप आएगा लेंगे, मानक के रूप आए, कोई कह दे इनमें से कि मान लीजिए मैंने ताला नहीं खोलेंगे इसका? नहीं, बिल्कुल खोलेंगे। जब कब खोलेंगे? अभी खुल जाएगा क्या? ताला भी खोलेगा इसका? अभी खुलवा देते हैं, ताले पे ताला खुलवाइए। कोई तो खरीदारी तो कोई तो ऐसा देखे कि हमारे पास आया कि माली हम तो बैठे हैं, कोई भी किसान नहीं आएगा, ताला नहीं खोलेंगे। भैया मैं सरकारी के लिए लगाते कांटे गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? मेरा ये कहना है, देखिए मैं जब मीटिंग होती खरीद की हर बार मैं कहता हूँ कृषि विभाग उपस्थित रहना चाहिए, डिप्टी RMO से मेरी बात होती मीटिंग में, कृषि उपस्थित रहना चाहिए। अब कृषि प्रभारी उपस्थित नहीं है, ठीक है, हमें इसकी निशा करने की पावर है, ठीक है। हम बार बार हम रोज मंडी में रह रहे हैं, किसान हमारे पास जाते भी हैं, हम कृषि प्रभारी को फोन भी करते हैं, SMI को मैंने कई बार फोन किया यहाँ पर रहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं रहते हैं। तो इसकी जवाबदेही DPRMO या SDM साहब यहाँ पर लोकल अधिकारी हैं, ठीक है, वो भी आते हैं, ADM साहब जिला खरीद अधिकारी हैं, तो उन्हें चाहिए कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं कृषि प्रभारी तैनात रहे, जिससे कृषक हित में ये कम्पिटिटिव सरकार की खरीद उसमें प्रतियोगिता में आए और किसान का हित हो, खरीदें। अच्छा आप ये बताओ, अभी जो तराजुओं पर तारे लगे हुए हैं और क्रय केंद्र पे कोई मौजूद नहीं है, किसान मजबूर है प्राइवेट सेंटर पे बेचने को कम रेट में, जबकि सरकार 1825 रुपए दे रही है, उसके बाद भी प्राइवेट पे बिक्री हो रही है, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें हम SDM इसका हम आज लिख के भेजेंगे SDM के लिए, जिला खरीदकार को लिख के भेजेंगे कि ये नहीं रहते हैं, कंपटीशन में ये नहीं आ रहे खरीद वाले,
लेकिन आपका कार्यालय, आपका कार्यालय मंडी के अंदर ही है। लगातार इसमें हमने लगातार आपने कोई लिखित में भेजा इनके खिलाफ, सेंट्रल इंचार्जों के खिलाफ? सेंट्रल लिखित में नहीं भेजा। कभी आपने इनको चेक किया आगे? कभी आपने चेक किया इनको? मैं लगातार बताया है, तुम आप पर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये कल से परेशान हो रहा है, इनका धान नहीं बिक रहा है। क्रय केंद्र प्रभारी यहाँ पर रहे, तब खरीद 10,000 क्या कभी आपने यहाँ चेक किया आगे? क्रय केंद्र पे कोई है नहीं, ताले ताले लगे हुए हैं तराजू पे, कभी चेक किया आपने? हाँ चेक किया हमारे, तो आपने चेक किया था, ताले कैसे लगे हुए थे? डिप्टी डायरेक्टर एडमिशन मुरादाबाद भी आए थे, उस दिन भी आए थे, उस दिन भी क्रय केंद्र प्रभारी एक SFP वाले थे, दूसरे थे ही नहीं यहाँ पे। ठीक, कोई कार्रवाई क्यों क्यों नहीं की इन्होंने? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई क्या की जाती? आपने लिख के दिया कुछ? आपने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के भेजा? देखिए देखिए, आपने अभी इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं ADM साहब को ऐसा करना चाहिए, SDM साहब को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, मतलब सबको सब कुछ। ADM साहब पूरी व्यवस्था धान खरीदवाएंगे और मंडी सचिव जो किसान हित के लिए यहाँ कार्यरत हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो केवल व्यापारियों से पैसा लेकर अपना पेट भरेंगे, किसानों का खून चूस के अपना पेट भरेंगे। किसान 1300 रुपए में, सरकार 1845 रुपए दे रही है, किसान 1300 रुपए में धान बेचने को मजबूर है। एक आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बाद लगातार अन्य उच्च अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोगों को मैसेज जा सके कि हाँ, अगर सरकार की मंशा के विरुद्ध काम करेंगे, किसानों के विरुद्ध काम करेंगे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है।